खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है। नीति राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेल विधा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रतिभा की पहचान कर उनको प्रशिक्षण दे चैंपियन बनाने की दिशा में कार्य करेगी। पंचायत से राज्य स्तर तक हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार होगा। नीति में देशज पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि के खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग, क्रीड़ा किसलय केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र और एकलव्य खेल अकादमी को बेहतर किया जाएगा। राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना विकास, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग और पारदर्शिता का भी प्रावधान किया गया है। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, ये जो नई खेल नीति आ रही है, ये साफ तौर पर सरकार का मकसद है कि संपूर्ण विकास हो झारखंड के नागरिक का, जिसमें शामिल होंगे वो खिलाड़ी जिनमें प्रतिभा है लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लेकिन इस नीति के लागू होने के बाद वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म उन्हें मिल पाएगा जहां से वो अपने सपनों की उड़ान भर सकेंगे। बेशक आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हेमंत सरकार खेल नीति लागू करने जा रही है, इसको अनाउंस करने जा रही है और इस बात की मांग लगातार उठती रही है और सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि आसपास के राज्यों का आकलन किया जा रहा है और किस खेल में सबसे आकर्षक नीति है खेल की, उसको स्टडी किया जा रहा है और आज वो दिन आ गया जब कल शाम ये नोटिफिकेशन आया कि आज ये कार्यक्रम होगा तो खिलाड़ियों में उत्साह की लहर थी, तमाम खेल संघों में उत्साह की लहर थी और आज थोड़ी देर पहले ही आप जो तस्वीरें देख रहे हैं प्रोजेक्ट भवन में, ये वो खिलाड़ी हैं जो खेल अकादमी से, जो खेल गांव में है, सीसीएल के सहयोग से और झारखंड सरकार के सहयोग तत्वाधान में चलता है, उनके वो खिलाड़ी हैं जिनमें से ज़्यादातर चैम्पियन खिलाड़ी हैं, बहुत सारी प्रतिभाओं में उन्होंने हिस्सा लिया है और उसमें मेडल्स जीते हैं। अभी हाल फिलहाल आपको पता होगा कि लॉन बॉल चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लेकर के भी यहाँ के खिलाड़ी लौटे हैं। उन सबको पुरस्कार नहीं मिल पा रहा था खेल नीति के अभाव में, तो आज ये पुरस्कार भी मिलेगा और खेल नीति वही है जैसे आपने बताया अभी कि तमाम तरह के देशज खेलों को प्रमोट करना, खेल की प्रतियोगिताओं का ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करना, जो अचीवर खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार कर देना, द्रोणाचार्य अवार्ड देना, क्योंकि जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं वो भी सहभागीदार होते हैं तमाम तरह के अचीवमेंट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में खनिज और खेल दो खौ बहुत ही विद्यमान है, यहाँ पर सिमडेगा जो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, खूंटी को की हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और बहुत सारे अन्य खेल भी यहाँ पर खेले जाते हैं। आपको पता होगा कि तीरंदाजी में वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक तक में यहाँ का प्रेजेंटेशन गया है, लॉन बॉल में अभी कॉमनवेल्थ में मेडल आया है जी। तो जाहिर है इस बात को एक नीति के जरिए ही अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा और आज ये नीति अनवील होने वाली है। हम भी इंतजार में हैं कि आखिर वो नीति क्या है और आसपास के स्टडी करने के बाद उसको कितना आकर्षक बनाया गया है। और जाहिर है नीति, सबसे पहले तो नीति आ रही है और जब नीति आ रही है तो जाहिर है उसके पीछे नीयत अच्छी है और ये नीयत है कि खेल और खेल प्रतिभाओं को विकसित करना। लेकिन साथ में एक बात अपनी ओर से, चैनल की ओर से ये कहना चाहेंगे कि तमाम जो व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं, जो मौजूदा एग्जिस्टिंग खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी और सरकार ने बनाया, नेशनल गेम्स के मौके पर उसको पूरी दुनिया ने देखा, वो बर्बाद हो रही है, उसको संभालना भी नीति का हिस्सा होना चाहिए। तब जो ये चीज़ें बन गई हैं वो फिर कभी नहीं बनेंगी, जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हुई है, चाहे वो बास्केटबॉल की हो, चाहे वो टाइकोंडो की हो, चाहे वो टेनिस की हो,
चाहे वो हॉकी की, फुटबॉल की हो, आर्चरी की हो, साइकिलिंग की हो, राइफल शूटिंग की हो, क्या नहीं है झारखंड में, सब कुछ है। बस उसको संभालने की ज़रूरत है, और संभालने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें से बहुत सारे खेल से रुचि रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। और दूसरी बात यह है कि समय समय पर उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो जाहिर है उसकी रिव्यू नहीं होने से फिर गड़बड़ हो जाती है। हाल फिलहाल मैं देख रहा था कि जो हॉकी की नर्सरी कहलाती थी, झारखंड में एक डे बोर्डिंग सेंटर चलता था, वहाँ के खिलाड़ियों को इस तरह का घटिया खाना दिया जा रहा था, उनके जो जूते हैं वो फटे हुए थे, तो जाहिर है ये सब एक भद्दा मजाक है खेल के साथ, ये भी नहीं होना चाहिए। और अब जब के खेल नीति आ रही है तो जाहिर है तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि नीति है और नीयत भी अच्छी है तो तस्वीर जरूर बदलेगी। शुक्रिया बेहद शाहनवाज आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।